अंकल कैसी है चलने में? ए भाई सुबह से कुछ खाने के लिए नहीं आया क्या? ये अपना काम वाला घर और मेरे दिल में हो रही है धड़क। ओ कितनी खैस दी, ओ कितनी खैस दी। राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भाई आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, वो है विलेज रिएक्शन। मैं अपने गांव लेके जा रहा हूँ बाइक को और उसमें एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है और देखते हैं कि गांव वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो भाई मैं चलता हूँ फिर गाँव के लिए, मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस फुल सेट है अपन और चलते हैं विलेज रिएक्शन के लिए। ये खड़ी अपनी बाइक और इसे कम से कम ना 10-15 दिन हो गए हैं, आई थिंक 15 दिन हो गए और ये मैंने अभी तक चला ही नहीं है। ये अपनी अपनी बाइक स्टार्ट, पहले एक बार से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत दिन से ना स्टार्ट नहीं हुई इसलिए पहले इनको स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अबे ये किसके लिए भाग रहे हैं फिर? ये किसके लिए भाग रहे हैं भाई साहब? मुझे लगा मेरे लिए भाग रहे हैं जो मैंने उस ऑटो के पीछे लगाई और इधर से निकाल दी। राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम जा रहे हैं गांव विलेज का रिएक्शन शूट करने, क्योंकि ना मैं क्या नाम है, मुझे गांव में एक काम भी था। बहुत दिनों से मैं पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो मुझे गांव में एक काम भी था और फिर मैंने सोचा कि यार मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ ना कि विलेज रिएक्शन, माय फर्स्ट विलेज रिएक्शन और कैसा है कैसा नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक विलेज रिएक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो इसीलिए फिर हम आ गए विलेज रिएक्शन के ऊपर वीडियो बनाने। और अगर तेरी बहन की जय, क्योंकि कम पिछले पुराने आज की तारीख हो गई, आज 20 हो गई, पिछले 20-21 दिनों से ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ यार, क्योंकि ना जो मम्मी की तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले उनको यहीं पे ट्रीटमेंट करवाया तो उनका कुछ ना फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके बाद फिर उसको फरीदाबाद एडमिट कर दिया। अब मम्मी के पास मैं रहता था, सिर्फ मैं, रात को दिन को सुबह दोपहर पूरे दिन में ही रहता था। तो यार तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो अब तो ठीक है, कल लेके मैं मम्मी को घर आ गया था, अब तो ठीक है, काफ़ी ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चलो गांव का वो वाला काम है जो गांव में जाके करना उसे भी कर देते हैं और फिर साथ के साथ एक रिएक्शन भी शूट कर देते हैं, रिएक्शन कैसा रहेगा। स्लो चलाऊं थोड़ा, अच्छा तो डर ना लगा, मो डर जरूर लगा पीछे बैठ कर, वास्तव में बता रहा हूं। ये आ गया अपने गांव का बोर्ड और जो कि आप देख पा रहे हो पर आप देख नहीं सकते क्योंकि ये मिट चुका है, सरपंच रोहतास सिंह गांव ढेकोला। भाई मेरा गांव है, मैं क्यों बुराई करूं? देखियो हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चला है, देखियो ओहो कितनी बड़ी गाड़ी रे। क्योंकि ना मैं गांव में किसी को बता के नहीं आया, मैं गांव आ रहा हूं, अब जब वो अपने आप आवाज़ सुनाई देगी ना तब वो आ जाएंगे।
अब मैं ना गाइस पता क्या, अब मैं ना हेलमेट उतार देता हूँ क्योंकि अब मैं ही शूट करूँगा जो भी चीज़ है। मैं बना लूंगा अपना, तू जा बाप कसम ले जा रहा हूँ, बाप कसम मत खावे तू जा, तू जा। अरे तू बाइक पे ले जा, बुलेट पे जा। तो भाई पता क्या, अभी मैं बाइक लेके आ रहा था घर और वो जा रहा था तिगांव बाजार में, अब मेरी बाइक देख के वापस घुमा के लेके आ गया और फिर चला के अब खड़ी कर गया, बोला कि कल जाऊंगा बाजार। तो भाई ये था, ये अपना गांव वाला घर, ये एक वाइट वाला ये रहा और दूसरा वाइट वाला, और ये अपनी खड़ी रानी आज अपने घर। और जो है सामने ये गली दिख रही है आपको, ये जो ये बरगद का पेड़ है इसके नीचे इतनी जगह है और उसके बाद लास्ट में एक और उतनी जगह है, और ये अपनी होती है बैठक, ये अपनी बैठक है और ये अपनी रानी खड़ी है आज। हाँ भाई पेप्सी ले आया, ला पेप्सी खा ला, देख आ जा भाई आज नाच देख लो कितना निकला है। बहुत यार आधो कमरो तो है और थोड़ा बड़ा पर एक नाज है तो लत्ता नॉन भी पहनने को तुम गरीब आदमी है, पैसा ना तुम पे पैसा ना है ना, पैसा ना तुम पे अभी आए ले ले चाबी दिखानी है यार भाई को, ये रही चाबी, चाबी दिखा दी, अब दोनों भाई को ले ले, मतलब दोनों भाई को ले लियो, पर तुम जा कहाँ रहे हो ना तो बताओ, चक्कर से मार का भाई मैंने चला ली ना, खादर को चला जा तू, ना चला जा तू खादर को, कहाँ से टिके भाई, अच्छा क्या आई आको कहा घर बम्पर है आको, यू सुन मैं बताऊं ये पता क्यों टिकेगी, या को साइलेंसर ना जो नीचे है अगर हम भाई मेरी बात सुन, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ गोम के देखने तो कोई बात ना, इतने छेद कर दूंगा बता दूंगा ठीक है, मेरा मन तो ना करो तो दिखाने को, और पिकअप हम बहुत ज्यादा आराम से चलिए, भाई अब ले गए मोटरसाइकिल गांव में को हंडाने को और मेरे दिल में हो रही है धड़क, ओ कितनी खेस दी, ओ कितनी खेस दी, ये गिर ना जाए पता है, ये बड़ा बड़ा हम खेच रहे हैं और ये कंट्रोल भी ना होगी इन पे, ये गिरेंगे पता है, बहुत बुरी आवाज आ रही है, अरे या फिर कोई आग आवेगा एकदम, भाई साहब बहुत गंदी भगा रहा दीपक मोटरसाइकिल है, या ये भगाई रहो या फिर एक्सलेट दे रहो, ना 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 भगाई रहो, ये पहले गियर में ही भगा रहो, ये आवाज कर रही है इतनी बुरी, और मैं यार वैसे ना दिखा रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल बहुत मुश्किल तो होगी, ये अब बहुत तेज बाइक भगाई है, जो साउंड आया ना वो बिल्कुल नहीं लगा ले, गांव के दूसरे कोने पे और यहाँ तक साउंड आ रहा हो, अब इन्हें एक बार आंदो एक बार इन्हें सुनाऊंगा तक बढ़िया तरीका था, क्योंकि ऐसा होया गांव का माहौल है, कोई बालक कैसे कून से घर में तले कड़ी आवे, और पहली बात तो भगाने को ये रास्ता है ही ना गांव में, जो यह तरीका था ये भगा रहे हैं बाइक है, और भगा भी दी फिर कंट्रोल, दूसरी बात कंट्रोल बड़ी मुश्किल तो होगी, खड़ी कर दे यार, नहीं उतर मत हाई कर दे, अरे इन तेज भगा कर रहे गांव को रहा, कोई बालक आ गया तो फिर कैसे होएगी, आवाज ही कर रही है इतनी, और कोई बालक या नीचे आ जाता तो फिर क्या करता तू, तू तो साले बोले मत गजनी से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सचिन के घर, और सचिन के चाचा के लड़के मतलब यहाँ पे है नहीं, सारे खेत पे गए हुए हैं, तो
तो अभी उनसे मिलने चल रहे हैं वहाँ। ओ अभी बिट्टू मिला रे मोटर छोरा नो कह रहा भाई ये कून भगा रहा मोटरसाइकिल इतनी तेज। मैं दीपक और जब कह रहा मम्मी परे चढ़ा ले, मैंने कही सही ना वैसे ही इतनी तेज भगा नहीं अब परे चढ़ा ले टॉट एक होरी पूर गया। ए भाई ऐसे वैसे कुछ खाने के लिए नहीं आया क्या? बना रहा हूँ तो कुछ दीख रहे और क्या बना रहा हूँ और भाई ने तो ले तो ले टोंग का चोट भाई को चला ली तो भाई अब ट्रैक्टर चला के देख रहा ये बा बिट्टू जा रहा है बिट्टू बैठ अंकल कैसी चलने में पिकअप ज्यादा है ना उठ है जल्दी घनी है सुबह हो चुकी है और मैं उठ गया था 6 बजे उठ गया था और मैं नहा धो के बिल्कुल एकदम सेट हूँ क्योंकि अब जा रहे हैं खुदा वाले पे प्रसाद चढ़ाने के लिए और अपना नहा धो लिया हूँ और नहा धो के ना मैंने कि यार पहली बात तो मेरे नहाने का मन नहीं कर रहा था दूसरी बात फिर मैंने कहा चल यार प्रसाद चढ़ाना नहा लेते तो अब नहा धो के सेट हूँ मैं तो हम पहुँच गए खुदा वाले पे और क्या नाम है पहले मैं अंदर जाके दर्शन करके आ गया प्रसाद चढ़ा के आ गया और अब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अच्छा सीन लगता कि प्रसाद भी चढ़ा रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ दर्शन करा देता हूँ। ये आ गई अपनी बाइक दोनों और ये एंटर हो गया अपनी जय खुदा वाले बाबा जय हो ये धोने वाले बाबा अपने ये अभी बना है पहले नहीं था ये अभी बनाया गया है और चल रहे हैं अब सीधा फार्म पर। तो अब आ गया हूँ जमुना के पास बिल्कुल किनारे पे ये देखो पर सूख रही है जमुना है ना पानी ना इतना अब तो धूप होगी नहीं तो अगर सुबह आता ना मैं 6 बजे और 7 लास्ट इतने बजे क्योंकि धूप वहाँ टाइम बहुत कम होती है और इतने अच्छे व्यू आते पर मैं थोड़ा लेट होगा तो इसलिए एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ये अपना खादर यहाँ पे खेत ही खेत है। अच्छा नोएडा तो नहीं दिख रहा देखिए है ना। अब चलते हैं सीधा फार्म पर एक ने अपनी पिचकारी मारी पीछे से पोंक मारी ले ये बुलेट कितनी सीसी की भैया यू साढ़े थंडर बोल्ट है कौन सी थंडर बोल्ट ये देख लो जी शहर भर देख गांव में देख थंडर बोल्ट के हाल चीकू के पेड़ और आज चीकू तो लग रहे हैं कच्चे है पर
छपकली बनाओ छापकली यार रगड़ ले और भक्के पी ले पानी पता नहीं कितने देखूं एक दो तीन चार पांच छह दो बालक है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अरे ये तो घने ही है यार गिने ना जाएंगे भाई इतने और एक ने तो ऊपर तो दे अंडा धर रखा दे इधर ये सफेद से ना पंजे देखियो कि ये वाली के कौन से के ये जब अंडा धरा है पंजे ओ पंजे कितने भयंकर कर रहा है ना कबूतर भी ठीक है ना भाई साहब इतनी गंदी हो गई है भाई कल रात बारिश भी हुई थी और फिर खादर में तो धूल ही धूल मिलेगी रोड तो मिलने तो रहेगी कोई ना भाई न्यू सोची कि क्या नाम है गांव में आके रिएक्शन लूंगा कि कौन क्या कहेगा बाइक के ऊपर कैसी है कैसी है कितनी चलती है कितनी कितनी एवरेज देती है कैसे क्या ऐसा कुछ ना पर यहाँ तो मोटरसाइकिल आई मोदर ले लो भगा के यार फिर आए घंटा में अब तीन चार चक्कर हो गए रिएक्शन तो छोड़ो कोई तू कहीं पूछी कैसे चले आवाज तो दे रही है कौन बैठ गई पूरे गांव में अब उड़ी डोल रही है और हम जाने को तैयार बैठे घर को अब मोटरसाइकिल आई ना नू पता किस पे बताओ रिएक्शन रिएक्शन ना भाई गांव में यहाँ तो उड़ा मोटरसाइकिल आज चरण में तो भाई बस ठीक है और वीडियो आपने देख ली एंजॉय कर ली अगली वीडियो मिलते हैं।